नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। बिहार में मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहंस खगरेठा उच्च विद्यालय परिसर में सोमवार को संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी माकपा के द्वारा विशाल आम सभा का आयोजन की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता माकपा जिला सचिव मंडल सदस्य मनोज कुमार यादव ने की। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा उपस्थित सभी आगत अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाक दोपता माला से सम्मानित किया गया। वहीं चंद्र किरण कुमारी के द्वारा स्वागत गान गाकर स्वागत की। इस मौके पर CAANRP के खिलाफ विशाल धरना एवं आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा सरकार के पूर्व खेल मंत्री सह पूर्व सांसद माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य मोसलीम ने भारी संख्या में उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने किसी भी सूरत में देश में नागरिकता संशोधन कानून नहीं लागू हो देंगे। अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगार की समस्या को लेकर आवाज बुलंद किया। उन्होंने गांधी जी के सपनों का भारत बनाने की बात बताया। सरकार की राजनीति करने की कड़ी आलोचना किया। वहीं पार्टी नेताओं ने सरकार के घोषणा के अनुसार सरकारी जमीन पर बसे लोगों को बासित पर्चा देने, छुटे हुए लोगों को राशन कार्ड देने, किसानों का कृषि ऋण माफ करने, उपज का डेढ़ गुना दाम पर अनाज खरीदने, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को खाली पदों पर भर्ती करने एवं सरकारी नौकरी से वंचित नौजवानों को रोजगार देने की जोरदार मांग सरकार से उठाई। वहीं बढ़ रहे अपराध की घटना पर अंकुश लगाने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग को लेकर पार्टी जन आंदोलन खड़ा करने की घोषणा भी किया। इस कार्यक्रम को माकपा राज्य सचिव अवधेश कुमार, पूर्व विधायक रामनरेश पांडेय, माकपा के जिला मंत्री भोगेंद्र यादव, भाकपा के जिला मंत्री मिथिलेश झालालन चौधरी, प्रेमचंद्र झा, विजय चंद्र घोष, आरिफ अंबर जिलानी, जिला कमेटी सदस्य बिंदु यादव, बाबूलाल महतो, जितेंद्र मोहन, रामवरण राम, मो मुहिउद्दीन, मो अजहर सहित भारी संख्या में मजदूर महिला नौजवान उपस्थित थे। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट।